प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा खंडवा जिले मुदीनगर में बस स्टैंड पर मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए, जिसमें लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया गया। और वहीं जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के श्याम सिंह मौर्य ने बताया कि देश में चल रही कोरोना महामारी को देखते हुए लोग आज भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। लोग बाजार में आ जाते हैं और उनके पास मास्क नहीं होता है। ऐसे लोगों को आज मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिनसे लोग बिना मास्क के घर से बाहर निकले हैं, वे अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। वहीं नगर परिषद पूर्व अध्यक्ष संतोष राठौर ने बताया कि युवा मोर्चा के साथ मिलकर मास्क वितरित किए जाएंगे, जिसमें छगन लाल जैन, सुभाष राठौर, निखिल सोलंकी, पीयूष श्रीवास्तव, चंद्रमोहन राठौर, नीलेश राठौर, अर्पित खले मौजूद रहे। मुंदी से शाहरुख मंसूर की रिपोर्ट। आज पूरे खंडवा जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रत्येक मंडल में मास्क वितरण का कार्यक्रम एवं सैनिटाइजर वितरण का कार्यक्रम कर रहा है। ये इसलिए कर रहा है कि आपको लग रहा होगा कि लॉकडाउन खुल गया है और अब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, युवा मोर्चे का कार्यकर्ता ये सब काम कर चुका है। आज हम इसलिए ये अभियान चला रहे हैं कि लोग कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि कोरोना महामारी है। अभी कोरोना महामारी है, गई नहीं है। इसलिए हम बाज़ार में निकल रहे लोगों को हम समझाइश दे रहे हैं कि ज़रूरत हो, आवश्यक काम हो तो ही घर से बाहर निकलें और मास्क का उपयोग ज़रूर करें। देखिए, बीमारी का असर थोड़ा कम हुआ है, मगर ऐसा नहीं कि ख़त्म हो चुकी है। डेली हम देख रहे हैं कि डेली पेशेंट आ रहे हैं, डेली मरीज आ रहे हैं। तो आपको सावधानी ही इसका सिर्फ बचाव है। अभी इसकी कोई वैक्सीन, कोई दवाई बनी नहीं है। हम लोगों को, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठगण सब हमारे साथ में उपस्थित हैं। इनका मार्गदर्शन है, इनका सहयोग है और हम लोगों को ये समझाइश दे रहे हैं कि मास्क का उपयोग करें, बार बार हाथ धोएं, मुंह को, नाक को या आँख को अपने हाथ नहीं लगाएं। और जो युवा लोग हैं वो भी यदि काम हो तो ही बाहर निकले, क्योंकि युवा लोगों को तो इससे कोई खतरा नहीं है। ऐसे नहीं है, बल्कि पूरा विश्व कोविड-19 नामक महामारी से जूझ रहा है। इन परिस्थितियों में हमारा देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सही समय पर लॉकडाउन के माध्यम से इस महामारी से जिस तरह से हमारे पूरे देश के पूरे समाज का जो बचाव हुआ है वह अपना आप अद्वितीय है। एक लंबे समय के लॉकडाउन के बाद में सभी को इस बात का गंभीरता के साथ में एहसास हो जाना चाहिए कि इस महामारी से बचाव का उपाय सिर्फ एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, संक्रमण से बचाव के तमाम तरीकों का इस्तेमाल करना, यही एक तरीका हो सकता है। कोविड-19 यानी कि कोरोना नाम की जो बीमारी है वो किसी धर्म, जाति या उम्र, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। यह हर उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, हर धर्म के व्यक्ति को हो सकती है, हर जाति के व्यक्ति को हो सकती है, हर लिंग के व्यक्ति को हो सकती है। हमको सिर्फ इतना सा काम करना है कि हमको आपस में दूरी बनाए रखना है, संक्रमण से बचना है। आज के समय के अंदर अपने आप की रक्षा ही राष्ट्र की और विश्व की रक्षा का सबसे बड़ा मूल मंत्र है और यही मूल मंत्र हमको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी हर बार की तरह इस आपदा के समय के अंदर भी पूरे समाज के साथ, पूरे देश के साथ और पूरे प्रदेश के साथ में दम लगा करके खड़ी हुई है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में पूरे मंडल केंद्रों पर आज मास्क का वितरण कार्यक्रम रखा गया है। ये मास्क का कार्यक्रम, वितरण कार्यक्रम जो है, भले प्रतीकात्मक तौर पर लेकिन हर व्यक्ति को इस बात से संदेश जाता है कि आपको जितने प्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मास्क हो, चाहे हैंड ग्लव्स हो, चाहे सर की टोपी हो, चाहे कपड़ों से, चाहे आइसोलेशन उनको मेंटेन करना हो, इन तमाम तरीकों को हम लोग मेंटेन रखें, अच्छा खाएँ, घर पर रहें, जितना ज़रूरी हो सभी लोग घर से बाहर निकलें, सभी लोग अपना ख्याल रखें। बस यही राष्ट्र की सच्ची सेवा होगी। वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।